स्टूडेंट कैसे आप सभी। माय नेम इज कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स करने वाले हैं। हेलो एल्केन्स तीन तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप रिएक्शन विद मेटल्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिटेल से आपको करवा चुके हैं। इनकी मैकेनिज्म समेत, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह से होता है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, इस पर भी हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स करने वाले हैं, यानी कि हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है वो आपको इस वीडियो में डिटेल से हम समझाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि किसी कंपाउंड से स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हैलोजन एसिड्स, ये कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं तो हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी एलिमिनेट हो जाता है। दिए गए कंपाउंड से कुछ मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के दौरान। ओके, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, CO2, HX, NH3 एक्सेट्रा रिमूव हो जाएंगे। इन टाइप की रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां एलिमिनेशन केवल अल्फा कार्बन से ही हो। ओके, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिमूवल जो एटम्स का है वो अल्फा कार्बन से ही होगा, यानी कि अल्फा कार्बन से ही सारे एटम्स हटेंगे, अल्फा कार्बन से रिमूवल हो, उनको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें अल्फा और बीटा कार्बन से एटम्स रिमूव हों। ओके, जहाँ एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से होता है, एटम अल्फा से भी होगा और बीटा से भी। गामा एलिमिनेशन, जहाँ कुछ एटम्स यानी कि अल्फा से और कुछ गामा से रिमूव होंगे, गामा कार्बन से, उनको क्या कहेंगे, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि आप देख रहे हो कि जितने भी प्रकार की रिएक्शंस है वहाँ अल्फा तो जरूर आ ही रहा है। अल्फा का मतलब, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब केवल और केवल अल्फा कार्बन से ही एलिमिनेट होगा, बीटा का मतलब अल्फा और बीटा से होगा, गामा का मतलब अल्फा और गामा से होगा, यानी कि अल्फा तो आपको लगाना ही है हर टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शंस में। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि जी अल्फा बीटा और गामा कार्बन क्या होती हैं, तो इनको भी जानना जरूरी है। तो बच्चों, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये चार कार्बन है और इसके साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा है, सपोज करिए मैंने ब्रोमीन जोड़ रखा है, उनके साथ हाइड्रोजन्स भी जुड़ी हैं। ओके, हाइड्रोजन भी जोड़ देता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन भी इनके साथ जुड़ी हुई है। आप इस कार्बन को हटा दीजिए एक बार, इसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो हैलोजन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ी होगी, जो कार्बन हैलोजन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ी होगी, दैट्स कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, उससे नेक्स्ट बीटा, ना हाइड्रोजन ही कार्बन, उससे नेक्स्ट गामा, यानी कि अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली हैलोजन के साथ जुड़ी मिलेगी अल्फा, उससे नेक्स्ट वाली बीटा, उससे नेक्स्ट वाली गामा, डेल्टा, ओमेगा, इस तरह से कॉमन नेम में यूज होते हैं। और कार्बन किसे कहते हैं, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन किसे कहते हैं, देखो फिर ध्यान से फिर से सुनना, जो कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ी है अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले के साथ जुड़ी है बीटा, उससे नेक्स्ट वाले के साथ जुड़ी है गामा। कार्बन तो होगी, हाइड्रोजन्स किसे कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, दो। बीटा हाइड्रोजन्स जो बीटा कार्बन के साथ जुड़े हैं, बीटा हाइड्रोजन्स तीन है। गामा हाइड्रोजन जो गामा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, गामा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ गामा हाइड्रोजन्स कितने हैं, तीन, राइट, समझ में आया। ये अल्फा बीटा और गामा टाइप की एलिमिनेशंस मैंने आपको समझाई। तो यहाँ बच्चों इस यूनिट के रिगार्ड बात करें तो इस यूनिट में क्या होगा, हेलो एल्केन से आपको HX मॉलिक्यूल हटाना है, यानी कि जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के केस में, तो वहाँ से अपने को क्या हटाना है, HX, यानी कि एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हैलोजन हटेगा, राइट। और यहाँ केवल और केवल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होती है। ये तो मैंने जस्ट आपको डिटेल से समझाया कि एलिमिनेशन की टाइप्स क्या हैं। हमारे इस यूनिट में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी, जिसमें अल्फा यानी कि अल्फा कार्बन से तो हैलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटने वाला है,
तो हैलोजन भी हट रहा है और हाइड्रोजन भी हट रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या कहते हैं, इन टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मोर स्पेसिफिकली बोले तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलो एलिमिनेशन रिएक्शंस कर लेते हैं अब डिटेल से और भी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एच एक्स मोलिक्यूल रिमूव होगा, तो एच एक्स मोलिक्यूल को रिमूव करने की प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ एच एक्स मोलिक्यूल फ्रॉम द गिवन हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन से रिमूवल ऑफ एच एक्स मोलिक्यूल, एच एक्स का मतलब हेलोजन एसिड्स का मोलिक्यूल, हेलोजन एसिड्स मतलब एच एक्स पूरा एक साथ नहीं जाएगा, हाइड्रोजन किसी अलग पार्ट में जाएगा, एक्स किसी अलग पार्ट में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हटेगा तो हाइड्रोजन और हेलोजन ही, ठीक है। तो किसी मोलिक्यूल से एच एक्स रिमूव करने की जो प्रोसेस है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाती है। इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, इसमें बीटा हाइड्रोजन जरूरी है, ओके। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की कंडीशन क्या है, बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन होगा तो ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं इथेनॉल, ना इथेनॉल नहीं क्लोरोइथेन, इसमें हमने डाला के ओ एच एक्वेसियस, एक्वेसियस के ओ एच, बताइए बच्चों एक्वेसियस के ओ एच में क्या होता था। जैसा कि आपने हैलोल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली प्रॉपर्टी आई थी कि ये जो स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल ओ एच है ये वीकर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3CH2OH+KCl। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये मैंने एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यदि मैं इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेता हूँ, राइट, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन मैंने अब की बार ले लिया है KOH, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन के कारण क्या बनेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, राइट। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के कारण क्या होगा, एक तो हैलोजन एटम रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने वाली है, नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होने वाले हैं, तो क्या बनेगा, एज ए रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को KCl और H2O, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है, कि ये अल्कीन किस तरह से बना, KCl और H2O किस तरह से बना है, जिसको हम करते हैं, बताइए। तो देखिए मैं वही रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूँ जो अभी अभी लिखी है, कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया क्लोरोअल्केन प्लस KOH डाला, अल्कोहलिक डाला, यानी कि अल्कोहल में इथेनॉल में डिजोल्व करके फिर ये डाला, ठीक है। फिर ये हुआ अल्कीन मिला और KCl प्लस H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में मिले। अभी रिएक्शन हुई किस तरह से है ध्यान से समझना एक बार। देखो बच्चों, इनको हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, CH3 को ऐसे लिखें, CH2 को हम ऐसे लिख लें और क्लोरीन को ये, ठीक है, KOH। अब आपको पता है कि कार्बन और हैलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन क्लोरीन, यानी कि हैलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ खींच लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इसने खींचा इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आ गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, देखो कार्बन के अब कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, एक बॉन्ड तो तोड़ ले गया ना क्लोरीन, एक बॉन्ड तो क्लोरीन ने तोड़ दिया, तो अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो अब ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढेगा, सॉफ्ट टारगेट का मतलब है जहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन्स ईजी मिल सके, तो इसको इसकी नज़र इन इलेक्ट्रॉन्स पर है, ये तीन बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन तो होता है, तो इन तीनों हाइड्रोजन्स में से किसी एक बॉन्ड को ये तोड़ देगा, मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ खींच लाया, कौन खींच लाया, ये पॉजिटिव चार्ज खींच लाया उन इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों खींच लाया, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, सॉफ्ट हाइड्रोजन बेचारा गरीब है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लाता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये बॉन्ड मान लीजिए ऐसे दिख रहा है अपने को, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो था वो तो अब ऐसे हो गया, तो इसके पास कमी आ गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट बच्चों। अब यहाँ से OH और यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH यहाँ से H पॉजिटिव, बताओ क्या बना,
ये बना H2O, राइट। यहाँ KCl पोटेशियम से K, और जो ये Cl अभी वहाँ से डिटैच हुआ है, लीव करा है जहाँ से, Cl क्या बना, KCl। अब यहाँ से हाइड्रोजन एक हट चुका है, ठीक है, एक हाइड्रोजन हट गया और एक क्लोरीन भी हट चुकी, तो आपने को क्या नज़र आ रहा है, देखिए इसमें दो कार्बन और दो हाइड्रोजन्स नज़र आ रही हैं। देखिए ये हाइड्रोजन हट चुका है, मैं दबा लेता हूँ, और इसमें एक क्लोरीन भी हट चुका है, मैं इसको भी दबा लेता हूँ, अपने को नज़र क्या आ रहा है, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन। तो दो कार्बन यानी कि CH2 और दो हाइड्रोजन यानी कि ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या बना, किसकी फॉर्मेशन हुई, इथीन की फॉर्मेशन हुई। ये कन्वर्जन भी बहुत आता है कि किसी अल्केन को, हेलोअल्केन को अल्कीन में किस तरह से करते हैं, सिंप्लीफाइड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, किस तरह से रिएक्शन हुई बताइए फिर से एक बार। किसी इसमें ओरिजिनल काम ये था, ओरिजिनल ये था कि जी मान लीजिए इस तरह से ओरिजिनल, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं। क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इस बॉन्ड को यहाँ ले आया, एक तो पहले था, एक हाइड्रोजन वाला तोड़ लाया, डबल बॉन्ड हो गया। अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके पॉजिटिव एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के H2 में चेंज होंगे, और K और Cl मिलकर के किस में चेंज जाएंगे, KCl में, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ कि यहाँ से एच पॉजिटिव जा चुका है, ये एच पॉजिटिव किसके साथ गया, OH के साथ, और किस में चेंज हो गया, H2O में, और Cl भी जा चुका है, Cl भी गया। तो बच्चों बताओ यहाँ क्या नज़र आ रहा है अपने को, CH2 CH2, यानी कि उनमें डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक तो हेलोजन एटम यहाँ से हटा है और एक यहाँ से हाइड्रोजन हटी है। जैसे नाम ही सजेस्ट करा है, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन और हेलो मीन्स हेलोजन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिससे हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहे हों, उनको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूव करना। और ये कैसे हुआ, ये अल्कोहलिक KOH लेंगे, ओके, एक्वासियस KOH से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जबकि अल्कोहलिक से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये तो क्वेश्चन था कि ये किस तरह से हुई है। अब आप आया कि जी ये रिएक्शन हुई क्यों, कि अल्कोहलिक लेने से हमें इथिन क्यों मिल गया, जबकि एक्वासियस लेने से अपने को अल्कोहल मिल रहे थे। तो इसका भी रीज़न हम डिटेल से आपको समझाते हैं बच्चों, कि अभी अभी जैसे आपने किया कि जी ये तो अल्कोहलिक लेने से तो ये होता है, और यदि मैं CH3 जैसा कि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी थी, यदि मैं KOH ले लेता हूँ, एक्वासियस KOH ले लेता हूँ, तो बच्चों मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला था बताइए, बार बार आ रही है रिएक्शन, मुझे मिला था OH प्लस OH, और क्या मिल गया था यहाँ से, देखो यहाँ से गलती कर दी ना, यहाँ Cl लीजिए ना, तो KCl, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि एक्वस से तो अपने को प्रोडक्ट अल्कोहल के रूप में मिलते हैं, और अल्कोहलिक से अपने प्रोडक्ट अल्कीन के रूप में मिलते हैं, रीजन बताइए क्या है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बच्चों, कि जब हम अल्कोहलिक ले लेते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो किस तरह की रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीजन है, जब एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में केवल क्या होते हैं, KOH जो है कैसे प्रकार के आयंस देता है, OH नेगेटिव आयंस, और पानी इटसेल्फ क्या बना रहा है, OH नेगेटिव आयंस, ओके। OH नेगेटिव आयंस वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। जबकि हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, तो अल्कोहलिक KOH से अपने को दो प्रकार के आयंस मिल गए। देखो अल्कोहलिक KOH का मतलब है कि मान लीजिए मैं इस KOH को इथेनॉल में डाल देता हूँ, KOH को इथेनॉल में, तो अपने को दो प्रकार के आयंस मिल गए। KOH से मिला OH नेगेटिव आयन, और इससे मिला, इसका एच हटाओ, इससे मिला इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन, ओके, दो प्रकार के आयंस हैं। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में केवल और केवल OH टाइप के ही आयन थे, K पॉजिटिव था वो अलग बात है, जो काम के थे OH नेगेटिव आयन ही थे। एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस थे, वो इथोक्साइड आयन की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, वो क्लोरीन को भगा देते हैं और क्या करते हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि अल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH जो है उसमें क्या होता है,
उसमें इथोक्साइड आयन भी बनता है और OH आयन भी बनता है। इथोक्साइड आयन स्ट्रोंगर बेस होता है OH आयन की तुलना में, तो ये क्या करता है, ये दिए गए कंपाउंड से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। ओके, ये जो स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। जबकि OH आयन इसकी तुलना में वीकर था, उसने कौन सी रिएक्शन करी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन के कारण अपने को क्या मिला था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के कारण अपने को क्या मिला था, अपने को अल्कोहल मिले थे। तो क्लियर हुआ कि जी अल्कोहलिक में दो प्रकार के आयन्स हो गए, इथोक्साइड आयन OH आयन। इथोक्साइड आयन स्ट्रोंगर बेस होते हैं, सो दिए गए हैलोकेन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। जबकि एक्वेसियस में केवल OH टाइप के आयन्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम शेरजफ रूल पढ़ लेते हैं। ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो शेरजफ रूल क्या है, व्हेन ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन टू और मोर प्रोडक्ट आर पॉसिबल देन द कंपाउंड हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज द मेन प्रोडक्ट। कई बार कंडीशंस क्या आती हैं कि दो तरह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल होता है, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट बनता है शेरजफ रूल। शेरजफ रूल क्या कहता है कि कई बार दो पॉसिबिलिटी बन जाती है प्रोडक्ट की, तो उनमें मेन प्रोडक्ट कौन सा चुने। तो शेरजफ रूल कहता है कि मेन प्रोडक्ट वो चुनिए जिसमें डबली बॉन्डेड के पास कम हाइड्रोजन है। ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को चुनिए, यानी कि जिसके पास कम हाइड्रोजन मिलेंगी वो मेन प्रोडक्ट रहेगा। ओके, क्यों कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है, ध्यान से समझने एक बार। अभी मैंने बताया कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, राइट, बीटा एलिमिनेशन में। तो यहाँ अल्फा कार्बन कौन सी है, ये, और बीटा कौन सी इससे नेक्स्ट वाली, और गामा कौन सी है, ये। और बच्चों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इनमें यदि हम ये रूट लें तो इस साइड भी तो बीटा कार्बन है, राइट। तो यहाँ तो कंडीशन सिमिलरिटी दो होगी, यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन ये भी रही, बीटा कार्बन ये भी रही, बीटा कार्बन ये भी है, तो कौन से हाइड्रोजन हटे। हाइड्रोजन तो अल्फा से हटना ही हटना है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि हम हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाएं या इस कार्बन से हटाएं, इसका फैसला शेरजफ रूल करता है। शेरजफ रूल कहता है कि वो मेन प्रोडक्ट बनेगा जिससे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, राइट। तो डबली बॉन्डेड कार्बन यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन, देखिए आप देखिए कितने डबल बॉन्ड कार्बन के पास यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 1 2, यहाँ 2 है, और इसमें देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2, ये रहे 3। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन, यानी कि इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ओके, मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, द कंपाउंड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो क्या है, ध्यान से समझना एक बार, कि जी जब दो तरह से पॉसिबिलिटी हो, दो बीटा हाइड्रोजन्स आ गई हैं, दो टाइप की, इस साइड भी, तो देखो हम उस वहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर रहा हूँ, तो CH2 थे कम हो गया, एक हो गया। ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया है, यहाँ से Br, वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो गए, मेन प्रोडक्ट ये बना। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँगा तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में ये मिलेगा, क्योंकि लास्ट में मैंने हाइड्रोजन हटाया है, तो 3 से 2 हो गए यहाँ पर। ओके, और जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहाँ उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाता है, जैसे आपने देखा था अभी डिहाइड्रोलोजिनेशन में भी। तो शेरजफ रूल मेनली क्या बताता है, यही बताता है कि व्हेन देर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू प्रोडक्ट आर थ्योरेटिकल पॉसिबल, तो देन द प्रोडक्ट विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन इज द मेन प्रोडक्ट, यानी कि मुख्य प्रोडक्ट क्या रहेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास। तो बच्चों ये शेरजफ रूल था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, थैंक्स अ लॉट।